आपके क्या क्या सिद्धांत सब कुछ है? कभी सोचा कि आपका परिवार किस तरह जी रहा है? सर आप ही उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जो हमारी मैसेज के लिए अब थे जीरो हैं जीरो और आप हमेशा रहेंगे जीरो। अगर आप आरक्षण के साथ नहीं हैं तो आप से खिलाफ है। हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते रहे और जब एडमिशन का मौका है तो खैर आप रुक लीजिए अपना मैं रुकता है मेहनत करने से। आपके खेत जोते हमने, आपके फसल काटी हमने, आपके मवेशी चलाए हमने, आपके जूते से बैल आपके नाम चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की, यहाँ तक कि आपकी टट्टी भी सरपट हुई हमने, हमें मेहनत सिखाई आप। जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि यह फिल्म गुजरात व मध्य प्रदेश में बंद कर दी गई है। अब हम जानते हैं कि खेल जगत में हलचल क्या हो रही है। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय टीम को तीसरी टेस्ट मैच में करारी हार का सामना करना पड़े। इसके लिए हम चलते हैं सिमरन बत्रा के पास जो कि नेहरू स्टेडियम के पास है। सिमरन आप हमें बताएं कि क्या हो रहा है? जी हाँ, इस वक्त मैं नेहरू स्टेडियम के बाहर खड़ी हूँ और इस वक्त यहाँ जो हालात है उसके बारे में मैं अपने इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी और इसको आगे बढ़ाते हुए क्रिकेट से बचा कर ले जाना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत क्रिकेट से ही करना चाहूँगी कि क्रिकेट को अगले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत को ग्रुप सी में जिम्बाब्वे पापुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज के साथ रखा गया है। अब बारी आती है टेनिस की जहाँ पर भारत के रोहन बोपन्ना और पाकिस्तान के एसाब उल्लेख कुरैशी अब क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पॉल हेनले और ब्राजील के ब्रूनो सौरोस को 6-4 और 7-6 से मात देकर तो अपनी जीत हासिल की है रॉजर्स कप में। इसी के साथ मैंडले टेनिस टूर्नामेंट में जहाँ पर नडाल जोकोविक और फेडरर द्वारा पराजित हुए हैं वो पहले ही टेस्ट मैच में पहले ही दौर में पराजित हुए हैं। अभी हाल ही में हुए तीसरे टेस्ट मैच में भारत इंग्लैंड और भारत के बीच में जो मैच हुआ था उस दौरान भारत को बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी हार मिली है जिस हार को अभी भी भारतीय खिलाड़ी सुहा नहीं पा रहे हैं। अब पढ़ते हैं टेनिस की ओर जहाँ पर 10 अगस्त को सेरेना विलियम्स और बॉडिंग मेयर ने भारतीय जोड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति को रॉजर्स कप में 6-1 और 7-6 से हराया। अब बढ़ते हैं शतरंज की ओर जहाँ पर एक मशहूर शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद रूस में सेमीफाइनल्स खेलने के बाद अब फाइनल्स इसराइल में मॉस्को इसराइली चैलेंजर मॉस्को गेफिन के साथ मॉस्को में खेलेंगे। अब बढ़ते हैं बैडमिंटन की ओर जहां पर साइना नेहवाल लगातार गेमों में पराजित हुई है। वह चीन के वॉन जिंग से लगातार गेमों में 10-21, 15-21 से पराजित होती आई है। अब बात आती है मुक्केबाजी की जहां पर एक मशहूर मुक्केबाज खिलाड़ी अमनदीप सिंह भी पराजित हुए हैं। वह दक्षिण कोरिया के शीन जोंग हनु से लगातार गेमों में पराजित हुए हैं। इसी के साथ मैं रिया से अनुरोध करूंगी कि वह अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद सिमरन। आजकल बारिश ने मौसम बहुत सुहाना बना दिया है। मौसम की और जानकारी के लिए हम चलते हैं अपनी संवाददाता श्रेया के पास। श्रेया क्या मुझे सुन सकती है? जी हाँ रिया मैं आपको सुन सकती हूँ। तो आइए आज हम आपको देते हैं मौसम का हाल। दिल्ली का तापमान अभी अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। अब मुंबई का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। बारिश होने की संभावना नहीं दिखती पर मौसम आसमान आज साफ रहेगा। चेन्नई का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है पर आज धूप बहुत तेज होगी। अब आते हैं कोलकाता में। कोलकाता का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो ये था आज के मौसम का हाल। अब चलते हैं वापस रिया और चिराग के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है कि हम विदा लें। आप हमें अपने विचार हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करके भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है aajtaknewsallday@yahoo.com।